नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कद्दू का टहनी और उसका पत्ते का सब्जी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है टहनी, इसे हम लोग छोटे छोटे काट लेंगे। अब हम लोग मसाला अपना रेडी कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने लहसुन और तोरी का पेस्ट लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग 3 छोटे चम्मच से लाल मिर्च ले लेंगे। तीन छोटे चम्मच हल्दी, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें 2 हरी मिर्च को काट के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मेथी ऐड करेंगे और इसे चलाएंगे जब तक ये हल्का सा भूरा ना हो जाए। अब हम लोग 3 बड़े आलू को गोल गोल काट के इसमें ऐड कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें हमारा मसाला ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा मसाला भून जाएगा तो इससे जो हम लोगों ने तेल डाला था वो तेल छोड़ने लगेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा मसाला भून चुका है। अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला और तेल अलग हो गया है। दैट मीन्स हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है। तो अब हम लोग इसमें कद्दू की टहनियाँ और पत्ते डालेंगे, जिसे हम लोगों ने अच्छे से काट के धो लिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे कम आंच पे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत हेल्दी होता है, आप अपने घर में ज़रूर बना के बच्चों को, परिवार को खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।